नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल पर मैं एक करंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो कि एक दिवस के रूप में है, इंटरनेशनल नर्सेज डे। इसको इंटरनेशनल नर्सिंग डे भी कहा जाता है, एक ही बात है, इंटरनेशनल नर्सेज डे। ये 12 मई को मनाया जाता है, और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है, कोविड-19 के कारण डॉक्टर, नर्सेज, इनके सम्मान को काफ़ी महत्व दिया जा रहा है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहे। कोविड-19 के निपटारे के लिए इन्होंने अपना समय दिया है, और समय के साथ साथ जीवन की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया है, जो कि सैल्यूट करने योग्य है। तो उसी कारण से महत्वपूर्ण बन जाता है और एग्जामिनर की नज़रों में ये छाया रहता है। इस कारण से इसको मैं अलग से एक्सप्लेन रूप में लेके चल रहा हूँ। तो पेज के बीच में लिखिए इंटरनेशनल नर्सेज डे या नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, विश्व नर्सिंग डे, कुछ भी कह सकते हो। ये मनाया जाता है 12 मई को, ये ध्यान रखें। डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन इसको एक्सप्लेन रूप में समझना पड़ेगा। एक तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई, दूसरी हम बात करेंगे वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति की हम बात करेंगे इसके अंदर। यदि हम प्रारंभ की बात करें तो यह प्रारंभ हुआ था 12 मई 1965। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आए भी हुए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया था, 12 मई 1965 में। अब यदि हम इसके बैकग्राउंड की देखें तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, इसको हम दो पार्ट्स में लेकर चलेंगे। एक तो इसका जो प्रारंभ किया गया ICN के द्वारा, अब ये ICN क्या है हम बात करेंगे इसकी। दूसरा, जो ये जो प्रारंभ किया गया, ICN ने भी जो प्रारंभ किया वो किसकी स्मृति में किया, किसकी मेमोरी में किया, वो थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की स्मृति में, इनकी स्मृति में किया गया। और ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, हमें थोड़ी सी बात इनकी भी करनी पड़ेगी, कौन थे और इनकी स्मृति में कैसे हुआ, क्या हुआ। देखिए, ICN की बात करें हम, सबसे पहले मैं ICN की बात करूंगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, अंतर्राष्ट्रीय परिषद है नर्स से संबंधित, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1899 में, हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड। मैं पहले ही बता चुका हूं, हेड ऑफिस इंपॉर्टेंट होता है, और इसके जो हेड है या चेयरमैन कह सकते हो,
एनेटे केनेडी। ये इतनी कोई गंभीर बात नहीं है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन हेड ऑफिस ध्यान रखें। क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर। ये कौन थे? इनका जो जन्म हुआ था 12 मई 1820 को, और इनके पास जो नागरिकता थी ये थी ब्रिटेन की, ध्यान रखना ये ब्रिटेन के नागरिक थे। क्लियर। और इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपके क्वेश्चन के रूप में आ सकती है, इन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक किसे माने जाते हैं, कौन माना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है, जिनके पास ब्रिटेन की नागरिकता थी। 12 मई 1820 को जन्मे फ्लोरेंस के स्मृति में ही, इनकी स्मृति में ही 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया जाता है। क्लियर। अब मैं बात करने जा रहा हूं वर्तमान स्थिति की। लेटेस्ट में हम बात करें तो 12 मई 2020, ध्यान रखें यहां पर। अब देखिए 12 मई 2020 को क्या हुआ, क्या घटनाएं घटित हुई, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है वो होती है थीम। इसकी थीम क्या है? नर्सेज ए वॉइस टू लीड नर्सिंग। द वर्ड टू हेल्थ, ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखें, ये ध्यान रखना। ये वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने इंटरनेशनल नर्सेज डे पर चर्चा की, इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने जानने का प्रयास किया। आप इसको करंट जीके में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में शामिल करें और साथ साथ इसको रिवाइज करते जाइए। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।